हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम मंदीप है और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्लीट मशीन लर्निंग रोड मैप की। अगर आप एब्सोल्यूट बिगनर हैं और आपका गोल जो है मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना है, तो मैं आज आपको जो है 7 स्टेप का रोड मैप बताने वाला हूँ। स्टेप बाय स्टेप आपको क्या क्या करना चाहिए कि आप अपने गोल को अच्छे से अचीव कर पाए और अपने गोल को अचीव करने में सक्सेस जो है हो पाए। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माइलस्टोन जो है आपके मशीन लर्निंग इंजीनियर बनने की जर्नी में आता है, आपको जो है एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी, उसमें या तो पाइथन है या तो आर लैंग्वेज है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द मशीन लर्निंग इंजीनियरिंग की जो लाइब्रेरीज है, मशीन लर्निंग की जो भी फ्रेमवर्क्स हैं, वो सारे या तो पाइथन में इंप्लीमेंटेड है या तो आर में इंप्लीमेंटेड है। तो आपको इनमें से कोई एक लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। दूसरा जो माइलस्टोन आपका है, वो माइलस्टोन है आपको मैथ के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर जो है एक अच्छा हैंड्स ऑन करना पड़ेगा। अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन सी जर्नी में जाना चाह रहे हैं। यहाँ से भी आपकी दो डिफरेंट जर्नी हो सकती हैं। सबसे पहला, अगर आप रेगुलर मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाह रहे हैं, तो आपको इन कॉन्सेप्ट जैसे कि लीनियर एल्जेब्रा, स्टेटिस्टिक और प्रोबेबिलिटी, इनकी एक डिसेंट नॉलेज होनी चाहिए। लेकिन अगर आप जैसे कि मान लीजिए पीएचडी करना चाह रहे हैं या रिसर्च के फील्ड में जाना चाह रहे हैं, खुद की एल्गोरिथम डेवलप करना चाह रहे हैं या रिसर्च पेपर जो है पब्लिश करना चाह रहे हैं, तो आपको इन कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, मैथ के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर मास्टरी हासिल करनी पड़ेगी। तब जाके ही आप वो जो है वो गोल जो है आप हासिल कर सकते हैं। क्योंकि मशीन लर्निंग में हर जगह ये तीन कॉन्सेप्ट बहुत हैविली यूज होते हैं। अब जब आप रेगुलर इंजीनियर के रोल में होंगे, तो क्योंकि ये ऑलरेडी इंप्लीमेंटेड है बहुत सारी लाइब्रेरीज में, तो आपको जस्ट एक लाइन ऑफ कोड लिखेंगे और आप उसको यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप उसको यूज कर रहे हो, तो आपको पता भी होना चाहिए कि उस लाइन ऑफ कोड के पीछे आप कर क्या रहे हैं, बेसिकली हो क्या रहा है। तो इसलिए क्योंकि कंपनीज में भी जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, तो वो आपसे पूछेंगे कि जैसे कि मान लीजिए मीन कैसे निकालना है, मोड कैसे निकालना है, ये बहुत ही बेसिक एग्जांपल दिया मैंने। तो इस टाइप की चीजें, कुछ एल्गोरिथम्स हैं जो प्रोबेबिलिटी के ऊपर बेस्ड होती हैं, तो वो प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट आपको आने चाहिए। तीसरा माइलस्टोन जो है, कुछ लाइब्रेरी जो हैं जो कि हमेशा यूज होती ही होती हैं, उनके ऊपर आपको हैंड्स ऑन करना है। इनमें आती हैं जैसे कि पांडाज आती है, नंपाई आती है, सीबोन आती है और मैटप्लोटलिब आती है। तो ये जो है चार लाइब्रेरी ऐसी हैं जिनके ऊपर आपको हैंड्स ऑन करना चाहिए, जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद जो है चौथा माइलस्टोन जो है आपका आता है डेटा प्री प्रोसेसिंग का। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है, क्योंकि 80% ऑफ द टाइम जो है आप मशीन लर्निंग इंजीनियर के रोल में होते हुए इस स्टेप पे जो है अपना इन्वेस्ट करने वाले हैं। क्योंकि आपको रियल वर्ल्ड में जो डेटा मिलता है, वो ना तो कभी इतना जो है क्लीन होता है कि आप उसको डायरेक्ट यूज कर पाए और अपना मॉडल बना पाए और डिप्लॉय कर पाए। आप 80% ऑफ द टाइम इसमें जो इन्वेस्ट करने वाले हैं, एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में और फीचर इंजीनियरिंग में। एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस में बेसिकली डेटा को एक्सप्लोर करना होता है कि किस टाइप का डेटा है, क्या क्या चीजें हैं, और कुछ स्टेटिस्टिक्स के बेस पे आपको डिसीजन लेने होते हैं। फीचर इंजीनियरिंग में बेसिकली ऐसा होता है कि क्योंकि वो डायरेक्ट आप डेटा यूज नहीं कर पाओगे, तो आपको जो है उसके ऊपर कुछ इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट अप्लाई करके उसको उस फॉर्म में लेके आना है, ताकि आपका एमएल मॉडल जो आप बनाने जा रहे हो वो अच्छे से बन पाए और अच्छे से परफॉर्म कर पाए। उसके बाद पांचवा माइलस्टोन जो है, आपको कुछ जो एमएल एल्गोरिथम है, जो कि मस्ट एल्गोरिथम है, ये आपको आनी ही आनी चाहिए। यहाँ पे मैंने 10 एल्गोरिथम लिस्ट करी है, तो आपको इन 10 एल्गोरिथम्स के ऊपर आपके हैंड्स ऑन अच्छे से होने चाहिए। आपको हर एल्गोरिथम का पता होना चाहिए और उस एल्गोरिथम के पीछे कौन से मैथ्स के और स्टेटिस्टिक्स के, प्रोबेबिलिटी के कौन कौन से कॉन्सेप्ट्स यूज हो रहे हैं और वो कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। उसके बाद जब आप ये सब कर लेते हैं, नाउ यू आर रेडी टू गो इन टू द बैटल फील्ड और इन टू द प्ले ग्राउंड। अब आपको जो है प्रैक्टिस करनी है। कैगल एक प्लेटफॉर्म है बेसिकली, जहाँ पे आप बहुत सारा डेटा सेट्स मिल सकते हैं आपको और प्रॉब्लम भी मिल जाती हैं, और वहाँ पे एक कम्युनिटी भी है। सो डेटा साइंस या मशीन लर्निंग से रिलेटेड कैगल एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है प्रैक्टिस करने के लिए। तो आप वहाँ पे जाइए, कोई भी एक रैंडम प्रॉब्लम उठाइए
डेटा सेट उठाइए, खुद का मॉडल बिल्ड कीजिए और उसको दूसरे लोगों ने जो सबमिट किए हैं सॉल्यूशन उस प्रॉब्लम के लिए उनको देखिए, अपने मॉडल को फाइन ट्यून कीजिए। तो ये बहुत सारी प्रैक्टिस करने से ही आपको चीजें आएंगी। तो सिक्स्थ माइलस्टोन आपका ये है। अब के बात करते हैं लास्ट और सेवन्थ माइलस्टोन की, जो कि है बिल्ड एंड डिप्लॉय ML प्रोजेक्ट्स ऑन क्लाउड। क्योंकि आज के टाइम पे कोई भी ऐसी कंपनी नहीं है जो कि क्लाउड पे काम ना कर रही हो या क्लाउड के रिसोर्सेज यूज ना कर रही हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने सिक्स्थ माइलस्टोन पे जाके और आपने बोला कि हाँ मुझे अब मॉडल बिल्ड करना आता है और मैं कर दूंगा। क्योंकि कंपनी हमेशा दे ऑलवेज वांट कि बंदे को या इंजीनियर को जो है ये सारी चीजें भी आनी चाहिए कि मॉडल को कैसे डिप्लॉय करना है, कैसे उसको मॉनिटर करना है, क्लाउड की इंफ्रा से कैसे डील करना है, वो सारी चीजें आपको आनी चाहिए। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जैसे कि जांगो और फ्लास्क ऐसे फ्रेमवर्क हैं जो कि हैविली यूज होते हैं, और हीरोकू, जीसीपी, AWS, एजोर, ये सारे प्लेटफॉर्म एज ए सर्विस या क्लाउड प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे कंपनीज या जो है अपने सॉल्यूशंस को डिप्लॉय करती हैं। तो आई वुड सजेस्ट कि आप एक एक प्रोजेक्ट डिफरेंट टाइप के लेट से प्रोजेक्ट उठाइए और इनका डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे जो है इनको डिप्लॉय करके अपना हैंड्स ऑन कीजिए। तो जब आप सेवन्थ माइलस्टोन कर लेते हैं उसके बाद जो है आई थिंक यू आर रेडी फॉर योर मशीन लर्निंग इंजीनियर रोल। उसके बाद तो जो है आपको जो है इंटरव्यू देना शुरू करना चाहिए और इंटरव्यू दीजिए और इंटरव्यू क्वेश्चंस की प्रिपरेशन कीजिए। उसके बाद आई एम श्योर अगर आप ये अच्छे से कर लेते हैं और इंटरव्यू कुछ इंटरव्यू देने के बाद डेफिनेटली आप जो है अपने ML रोल को क्रैक कर सकते हैं। सो आज की वीडियो के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू आर एन एब्सोल्यूट बिगनर और आप अच्छे से मशीन लर्निंग सीखना चाह रहे हैं, उसके लिए मैंने पूरी एक कंप्लीट मशीन लर्निंग प्लेलिस्ट बनाई है। उसका जो लिंक जो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा तो आप वहां से रेफर कर सकते हैं। उसमें मोस्ट ऑफ द जो चीजें मैंने अभी बताई हैं आप वहां से रेफर कर सकते हैं। उसके अलावा कुछ एडिशनल रिसोर्स जो कि आपको इस जर्नी में हेल्प करेंगे या आपको जो है फ्री में आप उन रिसोर्सेज का यूज करके आप इस जर्नी को जो है इस जर्नी को जो है अचीव कर सकते हो, तो आपको जो है वो रिसोर्सेज में फ्री में एक्सेस कर सकते हैं और आप वहां से पढ़ सकते हैं और अपने आप को ट्रेन कर सकते हैं। उन सब के लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ड्रॉप कर दूंगा। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। इफ यू डू नॉट लाइक दिस वीडियो प्लीज लेट मी नो वेयर और वट नीड टू बी इम्प्रूव्ड ऑन। दैट्स ऑल। सी यू फॉर टिल द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।